ये सीरियली 1 2 4 सेम, यहाँ पे भी 1 2 4 जो है वो इस साइड में है, ठीक है। कलर भी सेम है, अब मिला लीजिए, ब्लैक है, येलो है, ब्लू है, वाइट है, वाइट है, हाँ, ब्लू है, येलो है, ब्लैक है, सेम है ना, सेम यहाँ पे भी है, मिलाइए, ब्लैक है, हाँ, ब्लैक, येलो, ये चार मेरी फ्री कॉन्टेक्ट है, मतलब दो दो का। ये अगर देखेंगे ना ध्यान से, अगर देखेंगे तो ये आपस में दोनों मेल्ड है, ठीक है। ये जब यहाँ पे जाती है पोर्सन, तब ये कॉन्टेक्ट बनता है, जैसे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, हाँ, ये नीचे में जाके वेल्ड है, ठीक है। यही डिजाइन यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए यहाँ और यहाँ, मतलब दिखा दर्शा रहा है कि मेरा ये दोनों एक साथ में मैक हो रहा है, ये दोनों एक साथ में मैक हो रहा है। ये हम फ्री कॉन्टेक्ट है, जिसको हम सप्लाई देते हैं और वापस ले लेते हैं, लेकिन पॉइंट चलाने के लिए हमारा क्या है, अभी पूरा ये जो ग्रीन वायर है, हाँ, ये एक तरह साइड में मैक है, इस साइड में भी ग्रीन वायर है, लेकिन ये ओपन कंडीशन में। इसमें मेरा पॉइंट को समझने के लिए एक फंडा है, लॉजिक है। ये जो मेरी एक पॉइंट और रिवर्स को हम शो करते हैं सामने, रेल के सामने खड़ा होके, ठीक है, कि नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल जब भी हमारा ज़्यादातर लॉजिक होती है नॉर्मल की, स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो नॉर्मल है, लेकिन यार्ड के अनुसार कभी पलट जाता है, सिंगल एंड है तो नॉर्मल का रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स का नॉर्मल हो जाएगा, तो यार्ड के अनुसार ये पलटता है। तो ये सामने का जो माथा है, ये सामने का सामने होता है, इसमें लॉजिक ये है, सामने का सामने, हाँ, और वो दूर का दूर में, ठीक है, ये लॉजिक है। ये ग्लास भी जो है ये सामने का सामने है और ये दूर का दूर है। तो अभी मेरा उस साइड में मैक है, हाँ, वो चिपका हुआ है, देखिए मेरा ये कांटेक्ट इधर में मैक है, ये चारों, ठीक है, निकल जा भाई, ये चारों मैक है, ठीक है। तो अभी मेरे ये ड्राइव करनी है हमको इस साइड के लिए, तो ये मेरे ऑपोजिट है, सटा हुआ है, लेकिन कांटेक्ट ये है, ये कांटेक्ट मेरा फ्री कांटेक्ट है जो डिटेक्शन के लिए यूज किए, ठीक है। इसको यहाँ पे दिया है मेरा फ्री कांटेक्ट को डी से इंडिकेट किया है, हाँ, डिटेक्शन कांटेक्ट के नाम से, और जो ये है ऑपरेटिंग कांटेक्ट है उसको सी से इंडिकेट किया है, ठीक है। तो यहाँ लॉजिक बना के रखा है कि मेरी ये अभी इधर में सेट है, इधर ये चलने के लिए पोजीशन किया हुआ है, जैसे ही हम इस वायर में सप्लाई देंगे, ठीक है, ये पॉइंट चलेगी और जैसे ही मेरी सेट हो जाएगी ये सप्लाई को काट देगा, मेरा मोटर को पूरा सेफ है, ये मेक हो जाएगी ऑपोजिट चलाने के लिए, ठीक है। जैसे एसएसआई से हम 10 सेकंड का एक टाइमिंग डाल के छोड़ते हैं कि 10 सेकंड के बाद एकदम बंद हो जाए, हाँ, लेकिन आउटसाइड में तो आपको पता नहीं चलता ना क्या है, तो यहाँ तो आउटसाइड भी देखना है एसएसआई को के साथ में, तो आउटसाइड में यही है फंडा। तो यहाँ पे ये इस बॉक्स से भी पकड़ेंगे कि हाँ भाई ये वायर कहाँ लगा हुआ है, हाँ, और नॉर्मली पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा तीन जो है NW RW CW जो सप्लाई भेजते हैं साइड पे, तो एक वायर ये हो गया जो ग्रीन वाली है, इस साइड में सेम ग्रीन वाली, ग्रीन वाला, हाँ, और ये तीसरी वायर जो CW है, ये पहले यहाँ लगी मेरी केबल और उसके बाद ये CH बॉक्स है, उसके बाद यहाँ चला गया। जैसे मेरे यहाँ सामने का सामने है और दूर का दूर है, हाँ, सेम यहाँ पे ऑपोजिट है, ये बॉक्स का दूरी में है और ये बॉक्स का नज़दीक में है, उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों है, मतलब नॉर्मल और रिवर्स चलाएगा, ये कॉमन है, नॉर्मल और रिवर्स के लिए ये दोनों और ये कॉमन है, नॉर्मल रिवर्स नहीं नहीं, ये तो समय के अनुसार चेंज हो जाता है ना, ये नहीं बोलेंगे कि ये फेरुल सही है, समय के अनुसार चेंज हो जाएगा। ये मोटर जो मोटर है मेरा कंडीशन, ये मोटर दो टाइप का होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये जो रड है ना, ये बॉक्स अगर खोलेंगे तो ये चीज जो है ड्राइविंग रड, इसका नाम है, ये
इस साइड भी लग सकता है, इस साइड भी लग जाएगा। जब उस साइड लगाएंगे तो ये केवल स्लाइड को हम खोल के उस साइड में पहना देंगे। मान लो पॉइंट अभी इधर लगा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट को हम उस लाइन के उस पर लगाएंगे। हाँ, तब पूरा नॉर्मली यहाँ पे स्पेस है। रेलवे का जो नियम है, टाटा स्टील से बड़ा सेफ्टी उसके पास में, तो रेलवे नियम बनाया हुआ था कि लाइन से हमेशा बाहर होना चाहिए, लेकिन ये बीच में है जगह होने की वजह से, नहीं तो हमेशा लाइन से बाहर ही रहता है। तो ये पहला वाला जो रड है, हाँ, ये ड्राइविंग रड है जो ढकेलने मोटर के साथ में कनेक्ट है, केवल ढकेला और सटाया। दूसरा रड ये दोनों हैं जो एक तरफ लॉक कर रही है और दूसरा समय के अनुसार दूसरी तरफ लॉक कर रही है, और ये दोनों रड है जो ये कांच वाली बॉक्स को घसका रहा है, इधर उधर कर रहा है। नॉर्मल बाकी तो है अशोक बाबू। अब उसको पहचानता है अशोक कैसे मालूम? इधर से नहीं पहचानता उसको अशोक, इधर से पहचानता है। ये निकालेगा, इसके अंदर घुसेगा, वो इस चीज को देखेगा। और हम लोग का काम क्या है, यहाँ तेल तो मारना ही है, उसके अलावा इसमें तेल डालना है, ये दोनों में डालना है। हाँ, ये इसमें ग्रीसिंग करना है, ठीक है। ये सब हाथ काला किए हैं, हाँ, तेल वेल डाल के सब काला किए हैं। तो अभी रियर केस में काम किए ना आप लोग? नहीं, रियर कहाँ, तेल होगा कि दिखेगा नहीं उसमें, एक लीटर से ऊपर लग जाता है, डेढ़ लीटर से। नहीं, 200 ग्राम तो डाल, 200 ग्राम लगता है, हाँ, डालता है उसके बाद आप 5 लीटर दीजिए वो लिखा जाएगा, सब निकाल देगा, मिट्टी कर देगा वो। उसका ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो से सब निकल जाएगा। डेली हाथ काला लिमिट है 200। जो बॉस बता रहा था ना उस दिन, ये है, ठीक है, कार्बन कम्यूटेटर। और गियर बॉक्स ये है, ठीक है। और इसको पकड़ने का वही फंडा है कि ये मैकेनिकल चीज़ें में कि कितना गैपिंग है, कितना लॉक हो रहा है, ये इधर से इंडिकेट करता है, घुस के देखा अंदर में, हाँ, कि कितना दूरी और बचा हुआ है। और धीरे धीरे जानकारी हो जाने से अच्छा ही है, बाद में इसका से नहीं भी रहा तो भी कुछ कर सकता है, या फिर इसका भी मदद कर सकता है, क्योंकि हमको इंस्टॉलेशन तो करना नहीं है, कभी थोड़ा पाना सब चीज़ रहा है ये, जब हाथ इतना गंदा करेंगे तो थोड़ा सा और गंदा सही।